जय सीताराम भाइयों, मैं आपका सीताराम, जो कि आज अपन फिर ग्यारस है और खाटू श्याम जी की पद यात्रा संघ के साथ चलेंगे। और अब नहा धो के मैं तैयार रेडी हो चुका हूं, ये मेरा रूम वगैरह है और रूम से अब मैं सीधा बाहर की तरफ चलूंगा और बाहर जाके और अपने उस संघ को अपन सजाएंगे। तो सीधा अपन चल रहे हैं उस संघ के पास जहां अपन को सजाना है और वहां जाके और अपन अपने संघ को सजा के और आज खाटू श्याम जी की फिर से मैं पैदल यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि मैं पीछे की तरफ देख सकते हो मैं मेरे घर से बाहर निकल चुका हूं, क्योंकि आज मेरी तीसरी पद यात्रा है। अब इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं और अपने बाबा श्याम को अपन ने सजा लिया है, दीप जला के रेडी हो चुके हैं। ये हमारा मतलब ये सत्संग यहाँ से ये जा रहा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे की तरफ, आपको ये दिखाता हूँ मैं। और ये बाबा श्याम को हमने सजा लिया है और अब सीधा यहाँ से बाबा श्याम के दरबार में सीधा चलेंगे यहाँ से। अब सुबह 4 बजे उठे थे और अब जाके अपन ने थोड़ा सा फ्री हुए हैं इसे बाबा के इसे दरबार को सजा के। और अब हमारे जो भी भाई साथी गण है, ये हमारा ऑटो में ये टेम्पू ये ट्रैक्टर है और यहाँ घर से अपन ये लेके जा रहे हैं। और ये डीजे अपन ने ये डीजे भी किया है जो कि यहाँ से अब इस वक्त अपनी यात्रा को अपन ने स्टार्ट कर चुके हैं। ये मेरे देख सकते हो ये हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ से अब सीधा अपन रास्ते में यूं ही चले रहेंगे बाबा श्याम की उस नगरी में। अभी इस वक्त अपन मतलब लाखनी मोड़ से आगे पहुंच चुके हैं और ये बाबा की झांकी जो कि लेके जा रहे हैं काफी झिलमिलासी खिलाती हुई देख रहे हैं आप, देख सकते हो हमारे दीपक भी, देखो दीपक भी जल रहा है। आप जय श्री श्याम और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आपका भाई हर 11 के दिन लगातार तीसरा ये मतलब तीसरी मेरी पद यात्रा है। अब अपन खाटू श्याम जी तोरण द्वार के पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 200 मीटर तोरण द्वार है और यहाँ से आप देख सकते हो ये सामने है ना जो बाबा श्याम की फोटो जो कि मैंने यहाँ अपने इसमें डाल के और वहाँ बाबा के पास लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक ही अनुमति थी साधन को यहीं खड़ा करके सीधा। अब सीधा निकलेंगे अपन, वक्त अपन तोरण द्वार के पास पहुंच ही गए और जय श्री श्याम श्याम चरण, क्योंकि तोरण द्वार हमारे सामने है जो आपको भी दिखाया जाएगा। आप इस वक्त अपन तोरण द्वार के नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये रंगोलियां जो कि इस प्रकार ये रंगों से भरी आप देख सकते हो इस प्रकार ये रंग बरसाया हुआ है। और ये हमारे विद फैमिली जो कि ये भाई ये हमारी माता बहने जो साथ आई थी ये बाबा के इस तोरण द्वार के पास में खड़े हैं और यहाँ से सीधा अपन सीधा बाबा के उस दरबार में निकलेंगे। लेके आप देख सकते हो, देखो ये गुलाल ही गुलाल है। हाँ, ये हमारी जो कि बाबा श्याम की मूर्ति है जो हमारे जो कि विद फैमिली के आदमी है इनके साथ है। अब देखो ये जय श्री श्याम की ये फोटो लगवाई हुई है, ये स्क्रीन चल रही है बाबा श्याम की पड़ी है। हाँ तो कुछ भी नहीं है भाई, हाय जय श्री श्याम।
देखो ये भाई भी अपने इस भाई साथी का दर्शन करने के लिए आए हैं, तो ये भी जय श्री श्याम के नारे लगा रहे हैं। और आप पीछे की तरफ भी देख सकते हो, मेरे पीछे की तरफ भी आप देख सकते हो, ये गुलाब का फूल लेके मैं सीधा बाबा के उस दरबार में जा रहा हूँ। और बाबा ने मेरे को फिर से वापस बुला लिया, भाई बाबा मानना पड़ेगा बाबा को। भाई देखो अपन इस लाइन में लग रहे हैं और ये रोज लेके मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हो बाबा को इस प्रकार सजाया हुआ है, ये बांस वगैरह दिख रहे हैं आपको, इस प्रकार इनको सजाया हुआ है। ये वर्कर काम कर रहे हैं यहाँ, ये बांस वगैरह लगा रहे हैं और अभी ये 2-3 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। और सामने से बहुत अच्छा बाबा का ये दरबार है ना, बहुत अच्छा मतलब दिखने में अति सुंदर दिखेगा। देखो ये मंदिर सामने आपको दिख रहा है, ये मंदिर पहुंच ही गए हैं अपन, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ये गुलाब का फूल आप देख सकते हो, ये मैंने हाथ में ले लिया है। अब बाबा के उसे चरणों में ये गुलाब का फूल जाएगा जहाँ बाबा ने मेरे को बुलाया, तो इसे गुलाब के फूल से मैं बाबा के उसे दरबार में मेरी मन्नत जो भी है वो पूरी करूँगा इसे गुलाब के फूल से। आप देख सकते हो ये नालेख वगैरह, ये जो भी नालेख लेके आए हैं ये भाई, ये नालेख फेंक रहा है आप देख सकते हो। देखो बाबा के इसे दरबार में इस प्रकार ये जो नालेख लेके आते हैं उनको इस प्रकार फेंका जाता है। और ये बाबा का दरबार आ ही चुका है, आप देख सकते हो ये बाबा का दरबार आ गया। जय श्री श्याम। देखो आप देख सकते हो, आज देख सकते हो जीरा सा दे दे, ये हमने ये प्रसाद वगैरह ये भाई ने है ना ये सब दिया है मेरा प्रसाद वगैरह। और आप देख सकते हो आप, और ये बाबा के उस दरबार में थोड़ा सा क्यों आगे, ये हमारी फोटो वगैरह है जो हम लेके आए थे। और ये बाबा के उस दरबार में ये दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं। अब देखो जय श्री श्याम, अब देखो हमने दर्शन वगैरह कर लिया। और ये बाबा की फोटो और ये गुलाब का फूल है ना। अब बाबा के दर्शन करके अपन बाहर की तरफ निकल चुके हैं क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अब मूर्ति वहाँ मूर्ति से दर्शन करवा के अपन बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये हमारा बाबा श्याम है जो कि हम दर्शन करवा के और लेके अब बाहर की तरफ आ गए हैं, अपने घर पे वापस लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ अपन को अनुमति नहीं थी इसलिए अपन यहाँ चढ़ा नहीं सकते थे। और अपनी इस बाबा के मूर्ति को अपन घर पे ले जाके और वहाँ अपन विराजमान करेंगे। चलो अब चलते हैं। बाबा के दरबार में जो भी ये पट्टी वट्टी लगाई हुई है, मैं बाहर आ चुका था और ये जो भी पट्टी लगाई हुई है मैं यहाँ इस पट्टी को यहाँ बांध के रहता हूँ क्योंकि ये धागे से बांधते हैं। आज मैं यहाँ इसलिए जो कि इस पट्टी को लगा के जा रहा हूँ बाबा शाम के इस दरबार में गऊ के इस दानपात्र के पास में। और यहाँ से मैं ये दानपात्र है ना इसमें ये दानपात्र डाल रहा हूँ। और बाबा ने मेरे को अच्छे से बुलाया और मैं तीसरी ये मेरी पदयात्रा थी। अच्छा हूँ बाबा का बहुत 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 स्वागत करता हूँ मैं क्योंकि बाबा ने बार बार हमें बाबा याद करता है। और अपन वहाँ बाबा श्याम के उस मंदिर उस द्वार में पहुँचते हैं। अब अपन लिंग स्थापन आ चुके हैं और इस वक्त अपन ट्रोली में चल रहे हैं। देखो मैं एक यूट्यूबर होके फिर भी मेरे को शान घुमा लेंगे। और देख सकते हो आप ये हमारी एरोप्लेन चल रही है, इस एरोप्लेन में अपन बैठ के चल रहे हैं। और बाकी ये हमारे साथी गण है, ये आगे ऊपर हवाई जहाज में बैठे हुए हैं जो खड़े हैं। और यहाँ से अपन सीधा रिंग से अपने घर की तरफ चलेंगे। ये एक अपना भाई साथी गण है पूरण प्रकाश जो ट्रोली के नीचे की तरफ लटक रहा है आप देख सकते हो। और ये मैं खुद भी ऐसे ही खड़ा हूँ भाई, आप देख सकते हो पीछे से भी देख सकते हो आप, देखो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। अब बाबा श्याम के दर्शन करके अपन घर आ चुके हैं। अब देखो अब मैं खाना वाना खा के और अब आराम करूंगा कि पूरे दिन अपन नाच रहे थे बाबा के भजनों में नील थे। और काफी अब रात मतलब 9 भी बज चुके हैं, खाना वाना खा के अपन सोएंगे तो रात को 10-11 बज जाएंगे क्योंकि ब्लॉग भी एडिट करना है, कल ब्लॉग भी हमें डालना है। तो भाई आप सबसे ज्यादा अगर आप फॉलो करो ठीक है, सब्सक्राइब करो ठीक है, कोई बात नहीं आप मत करो, लेकिन जय श्री श्याम जरूर लिख देना। अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।